जैसे पैसा कमाना पड़ता है वैसे ये लोग भी कमाने पड़ते हैं। इसलिए इस टॉपिक की जरूरत है कि क्या जिंदा लोगों के साथ रहना हमें सीखना पड़ेगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वही दो चार लोग बचाने, वही दो चार लोग जो सुबह शाम आपके आसपास होते, कौन बेवकूफ है जिसके घर में खुशी नहीं, कौन बेवकूफ है जो आज भी दुखी है घर में, कौन बेवकूफ है जिसके घर में बातें नहीं। परिवार बचा लीजिए बॉस और दो बेटियां हैं, क्या नहीं है आपस में बातचीत नहीं है, क्योंकि फैमिली में अगर बातचीत नहीं है तो शादी करके वो क्या करेंगी। इसलिए जरूरत है बातचीत, इसलिए इस टॉपिक की जरूरत है कि क्या जिंदा लोगों के साथ रहना हमें सीखना पड़ेगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दो बेटे हैं और दोनों ने ये कह दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अभी उनकी मैरिज नहीं हुई, उन बच्चों की मैरिज अभी नहीं हुई है, दोनों जवान हो गए हैं और उन्होंने अपने माँ बाप को कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं। और वाइफ ने कह दिया है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, ऐसा है गाड़ी है घर है और इसको हमने फ्री समझा हुआ है कि ये तो फ्री में मिल जाते हैं लोग। कमाने पड़ते हैं, इसलिए जरूरी टॉपिक है। जैसे पैसा कमाना पड़ता है वैसे ये लोग भी कमाने पड़ते हैं। पहले ये वैसे ही हो जाता था क्योंकि मोबाइल फोन नहीं थे, लोग ज्यादा बिजी नहीं थे, टाइम होता था लोगों का एक दूसरे के साथ बैठने का मिलने का, उसमें ये चल जाता था। लेकिन जब से ये कम्युनिकेशन आया है तो ये मुश्किल हो गया है। हम दूर वाले लोगों के साथ बड़ी जल्दी बात कर लेते हैं लेकिन जो नजदीक है उनके साथ बातचीत करने की कला नहीं है। मैं ये आपसे कहता हूं कि हम इसे बचाएं, इसको समाज को बचाएं और समाज में एक ऐसी चीज अगर बच जाए तो सारा समाज बच जाएगा, वो क्या है परिवार। अगर सबको अपना परिवार बचाना आ जाए तो क्या मोहल्ला बच सकता है। अगर सबको अपना परिवार बचाना आ जाए क्या मोहल्ला बच सकता है, और अगर मोहल्ला बच जाए तो क्या शहर बच सकता है, अगर शहर बच जाए तो क्या देश बच सकता है। तो हमें एक ही चीज पे काम करना चाहिए, एक ही चीज बचानी है, वो क्या बचानी है, अपना परिवार बचाना। इससे ज्यादा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, वही दो चार लोग बचाने, वही दो चार लोग जो सुबह शाम आपके आसपास हो। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बातचीत करने की कला जो है, उसमें एक मिसिंग पार्ट ये है कि हम जब भी बातचीत करते हैं हम ब्लेम यूज करते हैं कि तूने ये किया गलत किया। और जब किसी को ब्लेम की बंदूक चलाई जाए किसी पे तो क्या होता है, उसकी ईगो हर्ट होती है, उसके अंदर खून जो है उबाले मारता है और उबाले मार के वो जो डिस्कशन थी बातचीत के लिए शुरू हुई थी वो लड़ाई और संघर्ष में बहस में बदल जाती है। जब हम बातचीत में ब्लेम यूज करते हमें बिना ब्लेम के बातचीत करने सीखनी पड़ेगी कि जब हम एक दूसरे के साथ बैठे तो बात करें तो बोले कि मुझे आपसे बात करनी है, ब्लेम नहीं करना है कि आपने ये जो कहा मुझे ऐसा लगा, आपने ये जो कहा मुझे ऐसा लगा क्या मैंने सही समझा, और मैं इसे ऐसा समझता हूं और मेरा मानना यह है।
तो उसमें बहस की क्या जरूरत है? उसने अपने विचार रखे, अपने अपने विचार रखे, वहां ब्लेम और बहस की क्या जरूरत है? लेकिन गलती क्या हो रही है कि हम जब भी बातचीत करने बैठते हैं हम लोग ब्लेम से शुरू करते हैं और लड़ाई पे खत्म कर लेते। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते, हम लोग उनकी मैरिज के पीछे पड़े रहते हैं, मैरिज करनी है, लेकिन उनको ये नहीं सिखाते कि ये कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है। लड़की को नहीं सिखाते कि उसका दिल कैसे जीतना है और लड़के को नहीं सिखाते कि उसका दिल कैसे जीतना है। ब्लेम करेंगे फिर एक्शन करेंगे, बात खत्म। और फिर उम्मीद रखते हैं कि वो वही भाषा बोले जो मेरी है। बातचीत का मतलब होता है कि हम खुले होकर बैठते हैं, नतीजा जो आएगा उसके साथ देखेंगे क्या करना नहीं। लेकिन हम लोग घरों में बातचीत क्या करते हैं? साबित करने के लिए बातचीत करते हैं कि मैं ठीक हूं और तू गलत। अब मेरी बातों पे बातें कीजिए, सच कह रहा हूं, परिवार बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बहुत जरूरी। डिप्रेशन कोई चीज थी जिसके लिए आज हॉस्पिटल खुले नहीं? डिप्रेशन क्या है? बातचीत नहीं हो रही, प्रेशर नहीं निकल रहा। बिना ब्लेम, बिना एक्सपेक्टेशन, बिना रिएक्शन के बातचीत करना सीख। डिप्रेशन मतलब जब आपका ब्रेन एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जब वो काम करने की स्थिति में नहीं रहता। हम लोग एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग छोटी सी बात करते हैं कि जब आपका ये जो दिमाग है, ये जो मशीन है, जब ये लोड ले जाती है, काम करने के लायक नहीं रहती है, तब ये डिप्रेस हो जाती है। और डिप्रेस दो तरह का होता है। हम लोग अभी सिर्फ फैमिली टॉपिक पे डिस्कस करें। जो बाहर का टॉपिक है उसमें लाइन लगाई है हमने कि ये यहां का यहां रखेंगे। अगर बाहर का प्रेशर है वो लेके हम लोग घर आ गए तब तो और गड़बड़ हो जाएगी। मैं सच बताऊं, जो आप बिजनेस में करते हो वही घर जाके करते। जितने सीरियस हम बिजनेस में होते हैं, अगर हम लोग ये समझ लें कि लाइफ एक बिजनेस है और इसमें हम लोग एक सफल व्यापारी बनना है, तो घर पे भी अलर्ट रहो ना। किसको क्या चाहिए, कब चाहिए, किसकी क्या जरूरत है, कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या बुरा लगता है, सबकी जानकारी रखो अगर आपको एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है। बच्चे को क्या चाहिए, बड़ों को क्या चाहिए, नाश्ते में क्या चाहिए, खाने में क्या चाहिए, घूमने में क्या चाहिए, शॉपिंग में क्या चाहिए, पहनने में क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ, नजर रखो अपने घर वालों पे, अपने जो भी आपके साथ लोग हैं। हम लोग बिजनेस में तो नजर रखते हैं कि क्या करने से कितना पैसा आएगा और यहाँ पे पैसा कमाना है और यहाँ पे क्या कमाना है, खुशी। क्या करने से खुशी मिलती है, इसके एक्सपर्ट बन जाओ। और करना किन लोगों के साथ? उन्हीं चार लोगों के साथ, ज्यादा लोगों के साथ तो नहीं करना आपको। हाँ जी, बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, पहले टाइम इंजन होते थे, सारी टाइम इकट्ठी देखती है, अनवॉन्टेडली असी को इतनी ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि असी चाहते हैं कि असी वो चीज़ तो दूर रहिए, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन इतनी बड़ी है कि असी कर नहीं पा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। तो इस चीज़ को असी कितना अवेयर रह सकते, कितना कि आपको पता है उसको उठा के साइड पे रख, यार आप घर पे हो, आप सोए हुए हो, तो ज्यादा लोग क्या करते हैं सोते वक्त, उसको साइलेंट कर देते। तो आप घर में जब हो तो कर दो, और अपने बिजनेस को इस तरह से डिजाइन करो, अगर आप सच में बिजनेस मैन हो, कि जब आप घर पे हो उस वक्त आपको कॉल नहीं आनी चाहिए। वो समय मेरे बच्चों का है, मेरी जिंदगी का है, मेरे घर का है, मेरी फैमिली का है, उस वक्त मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर इतने दिन काम करके भी तसल्ली नहीं हुई, वो घर में जो 2 घंटे 3 घंटे गुजारने उसी में काम चलता है,
हेलो, आप समझ रहे हो मेरी बात? लोग सारे दिन बाहर लगे रहते, फिर घर पे आके लगे रहते। जब आप घर एंटर करते हो, बंद कर दो ना यार बिजनेस को, दूसरा बिजनेस ऑन करो। कौन सा? फैमिली बिजनेस ऑन। किस चीज के लिए कमाना? फैमिली के लिए। लोग अपने बच्चों के लिए। घर किसके लिए चाहिए? फैमिली के लिए। अगर फैमिली के साथ रहना नहीं है, बात ही नहीं करनी, खुशी नहीं करनी है, तो क्या करना है ऐसे पैसे? ये बात मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं और बड़े जोर से इसलिए कह रहा हूं, मैं रोज लोगों से मिलता हूं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिंदगी में कामयाबी की कोई कमी नहीं है, नाम की कोई कमी नहीं है, लेकिन लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है। हेलो, क्योंकि इसको हमने सीरियस लिया ही नहीं है इस बिजनेस को। ये भी कोई बिजनेस है, घर संभालना भी कोई बिजनेस है। एक दूसरों की तरह दो लोगों का रिश्ता करके उन्हें भेज देते जीने के लिए, सिखाते है ही नहीं है उनको कि जीना कैसे। और कितना आसान है, आपने ने जवाब दिया कि ये जो मोबाइल है ये झंझट है, जो झंझट है इसको थोड़ा दूर रखो। तारीफ करना सीखो, प्रशंसा करना सीखो, अपने बंदों की तारीफ करना सीखो, अपने साथ जो आपके रिश्तेदार हैं, घर में बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बहन है, भाई, उनकी तारीफ करना सीखो। नहीं करते हम लोग, जान निकल जाती है, मां मर जाती है तारीफ करने। आदत नहीं है, हाँ, जान ही नहीं पड़ती, तारीफ करनी पड़ेगी। कौन बेवकूफ है जिसके घर में खुशी नहीं है? कौन बेवकूफ है जो आज भी दुखी है घर में? कौन बेवकूफ है जिसके घर में बातें नहीं हो? लेकिन वो इतनी सी बात नहीं समझते कि ये अदर बिजनेस है तो ये भी तो बिजनेस है। अभी ये तीसरे वाले की मैंने बात ही नहीं की, वो इससे भी बड़ा है। इसको सीरियस लो, इसको प्लीज सीरियस लो। घर में रहना एक बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है। हम लोग जब बिजनेस करते हैं, जिस चीज के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं वो हासिल करने के लिए कामयाबी, उसके लिए हम लोग कितनी तरकीबें लगाते हैं? कोई भी कंपनी है, बिजनेस करती है, ऐड देती है, कितनी तरकीबें लगाती है ग्राहकों को खींचने के लिए। और एक दुकानदार है, कितनी कोशिश करता है कि मेरी चीज बिक जाए, और अगर एक बार नहीं बिकती फिर वो ट्राई करता है। जो लोग बाहर के देश जाना चाहते हैं, कितनी ट्राइयां करते हैं बाहर जाने के लिए? कईयों ने तो रिकॉर्ड, कई तो इतनी ट्राई कर चुके कि वो खुद एजेंट बन चुके। हाँ हाँ, लेकिन वो हर बार क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सही तरीका ढूंढते हैं, किस चीज का सही जगह तक पहुंचने। जब हम इसे भी बिजनेस मानेंगे ना सर, फिर हम वो तरीका ढूंढेंगे कि वो कहां खो गई है, वो क्यों नहीं मिल रही है, वो कैसे खुश होगी, आपका वो कैसे माहौल बनाएगी, ये आप ही को करना पड़ेगा। सर मेरे पास तो रोज पैसे वाले आते हैं, सर मेरे पास रोज पैसे वाले आते हैं। अगर आपको मिलना हो तो मैं आपको मैं अपने कमरे में बिठा दूंगा, और बाहर में सर मेरे पास बहुत पैसे वाले आते हैं। सर मैं आपको ऐसे ऐसे पैसे वालों से मिला सकता हूँ जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, और कितनी गाड़ियां हैं, और मैं आपको मिलवा सकता, आपको कह दूंगा, दूर बैठ के देखना और आप बातें सुनना क्या होती है। वो कहते हैं कि ये नहीं है, पैसा है, सब कुछ है, फैमिली नहीं है। आप इस बात को सीरियस लेना पड़ेगा, इस बात को जब तक हम लोग बिजनेस नहीं मान के चलते, उतनी जोर इसमें नहीं लगाते, उतनी ताकत इसमें नहीं लगाते, उतनी समझ, उतनी एनर्जी, उतनी फोकसिंग इसमें नहीं लगाते, तब तक वो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हमें खुशी को पैसे के बराबर रखना पड़ेगा। हमने खुशी को यहां रख दिया और हमें यह बता दिया गया कि पैसा होगा तो खुशी होगी, ये फेलियर फॉर्मूला है। पैसे वाले अगर खुश होते तो कोई दिक्कत बात नहीं थी। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने इसमें गरीब लोग थोड़ी जाते, तो वो कौन लोग हैं जो वहां जाते हैं सर, और
किस लिए जा रहे हैं? वो पैसे वाले लोग हैं, और वहां इसलिए जा रहे हैं कि ये नहीं है। जब ये नहीं होगा तो दिमाग फटेगा, जब दिमाग फटेगा भरेगा, बीमारियां आएंगी शरीर। जो बंदा खुले में रहता है, खुश रहता है, खुल के बात करता है, उसके पास बीमारियां नहीं आती। अगर बीमारियां आती होती तो हॉस्पिटल कई हजार साल पहले से खुलने शुरू हुए होते। हॉस्पिटल अभी शुरू हुए हैं खुलने, कुछ साल पहले। पहले हॉस्पिटल नहीं होते थे, लोग बीमार नहीं होते थे। मेरे मामा जी कहते हमारे पास एक ही दवाई थी, जब भी कोई प्रॉब्लम आए गर्म दूध करते थे, सोए लेते थे। पता नहीं मुझे किन लोगों को पता है कि सोए होते हैं वो जीरे की तरह होते हैं, और देसी घी उसमें डाल लेते थे। कई बार सोई, अगर सर्दियां तो सोई ले लेते थे, नहीं तो देसी घी डाल के दूध में गर्म में, और पूरा गिलास पी के और ऊपर कपड़ा लेके लेट जाते थे। एक बार खुल के पसीना जब आ जाता बीमारी ठीक हो जाती थी। ये हॉस्पिटल था सर, जो थोड़े उम्र दराज लोग हैं वो समझते होंगे। इसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने यहां पे सीरियस नहीं रहे। हम लोग घर बाहर कमा के घर पे जाते थे, घर पे हमें खुश रहना नहीं आया, उसकी वजह से हम लोग हॉस्पिटल। वो पैसा कमाते हैं, घर पे खुश नहीं रहते, सीधा कहां चला जाता है? हॉस्पिटल में चला जाता है। और ये हमें सीखना ही पड़ेगा सर। जैसे हमने बिजनेस सीखा, हमने एबीसी सीखी, हमने कला सीखा, हैरानी की बात है कि हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि परिवार के साथ कैसे रहना है। ये सच में क्लास है सर। हम अपने बच्चों को एबीसी के लिए भेजते हैं, नर्सरी में भेजते हैं, एलकेजी में भेजते हैं, उनको मैथ पढ़ाते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं सच कह रहा हूं, ये पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, तब जाके बच्चे खुश रहेंगे।